हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं मोनिका स्वीट एंड सॉल्टी रेसिपीज में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक और चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज हम हरे धनिये और तिल की चटनी बनाएंगे। ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है, तीखी है, चटपटी है, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। चटनी के लिए सबसे पहले हम तिल को रोस्ट कर लेंगे। इसके लिए एक पैन में मैं ले रही हूँ आधा कप तिल है, धुले हुए तिल ले रही हूँ मैं। इनको हमें रोस्ट करना है। इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर करेंगे, 6 से 7 मिनट के लिए रोस्ट। अच्छी तरह से हमारे तिल जो है ये भुन जाने चाहिए, तभी चटनी का टेस्ट आता है। कलर चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लो टू मीडियम फ्लेम पर करेंगे। अगर हम तेज आंच पर या इसको मीडियम फ्लेम पर कर लेंगे रोस्ट, तो ये एकदम से जल जाएंगे और अच्छी तरह से भुन नहीं पाएंगे। तो हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे। तिल को लगातार चलाते हुए हमने 6 से 7 मिनट के लिए इसको रोस्ट कर लिया है। इसको चलाते रहें, नहीं तो ये नीचे से लग जाएंगे। तिल अच्छी तरह से भुन चुके हैं और थोड़े फूले फूले हो गए हैं। कलर देखिए इसका चेंज नहीं हुआ है ज्यादा, हल्का सा चेंज होगा, बहुत हल्का सा। ये देखिए, ये ज्यादा लाल या ब्राउन नहीं करने हैं हमें तिल को। अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। गैस अब हम बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। थोड़ी देर इसको ऐसे चलाते रहें, नहीं तो ये नीचे से एकदम काले हो जाएंगे। अब मिक्सी जार में डालेंगे ये रोस्ट किए हुए तिल और 15 से 20 सेकंड के लिए इसको चला लेंगे। 15 से 20 सेकंड के लिए तिल को हमने चला लिया है मिक्सी में। ये थोड़ा दरदरा हो गया है। ये मेरा तरीका है चटनी बनाने का। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो तिल के साथ ही आप धनिया वगैरह मसाला ये सब डालकर और इसकी चटनी पीस लें, लेकिन मैं इसी तरह से बनाती हूँ, तो वही तरीका मैंने आपको बताया है। अब इसमें मैं डालूंगी ये धनिया पत्ता है, एक बाउल के करीब है, एक गुच्छी था। ये मैंने साफ करके धो के और रफली चॉप किया है, मोटा मोटा ही काट लिया है। ये डाल देंगे। अब इसमें डाल रही हूं मैं 4 से 5 लहसुन की कलियां हैं। अगर आप लहसुन नहीं खाना चाहते तो ना डालें, लेकिन अगर खाते हैं तो इसको जरूर डालें, बहुत अच्छा लगता है। आधा इंच अदरक का टुकड़ा है, इसको भी रफली चॉप करके इसमें डाल दूंगी। 6 हरी मिर्च हैं। मैं चटनी को तीखा बना रही हूँ इसलिए मैंने 6 मिर्च ली हैं। ये तीखी वाली हरी मिर्च है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं मिर्च को, पर ये चटपटी सी चटनी बहुत अच्छी लगती है और मैं इसे तीखा ही बनाना चाह रही हूँ, इसलिए मैं 6 हरी मिर्च इसमें डाल रही हूँ। अब इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून भुना जीरा पाउडर है। आप इसकी जगह जीरे को रोस्ट करके भी ले सकते हैं, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है चटनी में। 2 टेबलस्पून आमचूर पाउडर है, आप इसकी जगह नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं। और नमक आप इसमें स्वादानुसार डालिए। 3 टेबलस्पून के करीब इसमें पानी डालेंगे। पहले पानी आप थोड़ा ही डालें, फिर जैसे जरूरत हो उस हिसाब से पानी डालकर इसको पीस लें। अब हम चटनी को पीस लेते हैं। चटनी को हमने पीस लिया है, अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। हमारी धनिये और तिल की बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर तैयार है। इसे मैंने थोड़ा गाढ़ा रखा है, आप चाहें तो पतला भी कर सकते हैं। इस चटनी को मैं सैंडविच में स्प्रेड करना बहुत पसंद करती हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका सैंडविच में, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा गाढ़ा रखा है। अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप पतला भी कर सकते हैं। इस चटनी को आप पूरी, पराठे, रोटी, दाल चावल या सैंडविच में स्प्रेड करके या पकौड़ों के साथ भी खाएं, बहुत ही अच्छी लगती है। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करना ना भूलें।